हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मतलब आज जो है मैं एक न्यू गेम खेलने जा रहा हूँ जिसका नाम है मिस्टर मीट। और ये जो है कोई इसमें एक मीट अंकल है, और जिसने जो है मेरी एक गर्लफ्रेंड होगी या तो दोस्त है मेरी नहीं, मतलब जो इस गेम के करेक्टर की है उसको बचाना पड़ेगा मेरे को। और वो जो है एक कोई साइंटिस्ट है उसको बचाना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं जो है इसके यहाँ पे दरवाजे पर चलता हूँ, और अभी जो है मैं इसके सीधा घर के अंदर घुसने वाला हूँ ये तोड़ के। अंकल मैं हूँ, अंकल मैं सीधा आ गया भाई इसका घर तोड़ के। ये मैंने बहुत ही तगड़ा काम कर दिया, लेकिन प्लायर ही कहाँ है इधर पे। प्लायर मिल जाता ना तो आधा काम इजी हो जाता इधर पे। लेकिन इसके ड्रॉर में देख लेते हैं, और उसमें एक इसका सुअर भी है भाई, इतना खतरनाक है ना वो, बहुत मारता है भाई वो भी। उनका मिस्टर मीट का काम आसान कर देता है। प्लायर नहीं है ये, हैमर है, और हैमर का काम तो पहले उसके लिए रेड की चाहिए। तो इसे भी यहीं पे फेंको। अंकल ने मेरे को देख लिया तो मेरे पीछे आएंगे, जो आना इतना आसान नहीं है। देख लिया था उसने मेरे को। और इधर पे मैं इसका घर में थोड़ी बहुत तोड़ा फोड़ी भी कर सकता हूँ, उसका लॉक भी तोड़ देते हैं। और जहाँ पे ये मीट काट के रखता है, और ग्रीन की मिल गई। इधर पे ऊपर चलते हैं क्योंकि मैं अंकल के हाथ से मरना नहीं चाहता। इधर पे सबसे पहले मैं बाहर निकल जाता हूँ और ग्रीन की का काम कर लेता हूँ। और उधर पे मेरे को हैमर भी मिल गया था, उसका भी काम इजी हो जाएगा। और हैमर मैंने कहाँ पे रख फेंका था मेरे को तो ये भी याद नहीं है अभी। और इसमें म्यूजिक बॉक्स पीस मिल गया मेरे को, और ये जाके ऊपर पे लगाना है। सबसे पहले अंकल को भी देख ही लेते हैं, लगा लेंगे नहीं तो। और इधर पे देखो ये मीट काटता था भाई पूरी अपनी, देख रहे हो यहाँ पे कैसे सूअर की मीटें रखी हुई हैं। और इधर से मैं नीचे चल लेता हूँ सबसे पहले। और इसने भाई फ्रिज में अपनी मीट छुपा रखी है, छुपाने की क्या जरूरत है अंकल, आप अकेले ही तो रहते हैं, कोई आपको कुछ कहेगा तो है नहीं। इधर पे कैन पड़े थे, गजब स्कैम है भाई मेरे साथ, कैन ही मिल रहे खाली। और इधर पे कुछ तो नहीं है क्या, कुछ भी नहीं है। चलो ऊपर चलते हैं फिर से। ओ भाई ये इधर पे ही है, अचानक से आया भाई, मेरी फट गई एकदम। ऐसे अचानक से आएगा ना भाई मेरी तो पूरी फट जाएगी। इधर पे भी ये वाला डोर भी खोल देते हैं, क्या पता इधर पे कुछ मिल जाए। म्यूजिक बॉक्स पीस, इसका पता नहीं क्या काम है, लेकिन प्लायर का भी बहुत काम है। इन दोनों का काम जो है ऊपर पे है, और अंकल इधर आगे पे हैं। पहले अंकल को इधर आने देते हैं, और इधर से निकल जाते हैं दूसरी जगह पे। अब इसमें तीनों के तीनों पीस लग गए, तो ये अब गाना मैं यहाँ पे चला देता हूँ, और अभी अंकल यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से देखता रहता हूँ, और अभी जाके सबसे पहले मेरे को ये प्लायर उठाना है और इसे जाके ऊपर पे लगाना है। सबसे पहले मैं ये बहुत जल्दी जल्दी निकाल देता हूँ, अंकल आ जाए बस। और अब जो है मैं इसकी रूफ में पहुँच जाऊँगा, और रूफ से जो है इसकी शेड में जाना है सीधा, जंप करके सीधा टारजन बन के, टारजन नहीं वैसे मोगली बन के। इधर पे वायर कटर मिल जाएगा जिसका बाहर पे काम है, तो पहले इसी का काम कंप्लीट करता हूँ मैं। यहाँ पे काम है तो इसका सबसे पहले मैं इधर पे काट लेता हूँ उसे, बढ़िया। और अब चलता हूँ उसे उधर नीचे पे काटने के लिए, लेकिन उससे पहले जो है मेरे को प्लायर का काम लगेगा। लेकिन मैं उसे यहीं पे फेंक दूंगा इसको, वायर कटर को। और सबसे पहले प्लायर लेके आता हूँ मैं, ये बंद कर देते हैं। और अभी चाहिए मेरे को प्लायर ना, प्लायर तो उधर अंदर, प्लायर तो मतलब शेड में पड़ा हुआ है। और ये मैं इसकी शेड में आ गया, शेड के यहाँ पे पड़ा हुआ था। और ये लेके चलते हैं सीधा नीचे पे। और अभी तक मेरे को हैमर तो मिला नहीं, क्योंकि हैमर का वैसे बहुत काम है। सबसे पहले ये प्लायर का काम कर लेता हूँ, कटना, चलो कट गया। और अब जो है मैं इसके नीचे जा सकता हूँ, और वहाँ से जो है मेरे को एक वेपन मिल जाएगा। सबसे पहले मैं शॉर्ट गन लेता हूँ और इस अंकल को मारता हूँ। शॉर्ट गन मैंने कहाँ फेंकी थी मेरे को ये भी याद नहीं है। शॉर्ट गन वैसे मैंने इधर पर ही फेंकी थी, ये रही ना शॉर्ट गन। और इसकी एमओ जो है शेड में पड़ी हुई है। अब भाई अंकल यहीं पे ही है, चलो निकल, फिर से कोई डर नहीं लगता अब। और ये शॉर्ट गन की एमओ लेके ऊपर पे चलता हूँ मैं, क्योंकि इसका अभी तो थोड़ा बहुत तो काम है ही है ऊपर पे, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इधर से जो है मेरे को रेड की मिल जाएगी एक कोड देने पर।
ये मार दिया, और यहाँ पे जो है 7 ही होगा वैसे तो कोड। ट्राई करने में क्या जाता है अगर 7 ही होगा तो, लेकिन अभी मैं वो कोड ले नहीं सकता हूँ। कोड वैसे कहाँ पे था, शेड में था ना वो भी, और मैं जो है अभी शेड में आ चुका हूँ। ये कोड लेके ऊपर पे चलता है। इस शेड का तो वैसे, इस शेड का तो बहुत काम हो गया। अभी ये कोड पे डालना है 7, और ये खुल गया, और इधर से रेड की मिल गई। चलो मैंने उसकी, चलो मैंने इसकी गर्लफ्रेंड को तो बचा लिया इसका मतलब। अब अंकल नहीं उठने वाले, भले ही ये चाहे इसका अलार्म कुछ भी कहता रहे। एक बार इसके सूअर से भी मिल के आते हैं, क्या पता इसके सूअर को भी मार सकता हूँ मैं। देखते हैं, पहले पहले जो है मैं इधर से रेड की से ये खोल देता हूँ। ये खोल दिया, और अब जो है मैं ये खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इसके सूअर को भी मार के देखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो है मैं एक भी बार नहीं मर रखा हूँ। चलते हैं इसके सूअर को मारने के लिए। और अंकल आ गए तो फ्री फोकट, मैं अंकल को भी मार दूंगा। भाई इसने इतना परेशान किया ना, अभी मर गया ना तू। चल, तब से इस सूअर ने भी बहुत दिमाग खराब कर रखा था। और अभी जो है उस अंकल को भी मार के चलता हूँ एक बार मैं। दोनों से जो है बहुत बदला लेना पड़ेगा मेरे को। ये मिली है ना कुछ बहुत तगड़ी वाली गन, क्या पता अंकल कुछ ज़्यादा ही गुस्से वाले मोड में ना आ गए हो, क्योंकि मैंने इसका सूअर तो मार दिया। उठेगा भी इसका सूअर ये? मेरे को तो नहीं लगता इसका सूअर अब उठने वाला है, मर गया अब तो। चलो कोई बात नहीं, अगर इसका सूअर मर गया ना, अंकल जो ऐसे खा सकते हैं लेके। ओ भाई ये उठ गया और मेरे को मार दिया। शिट यार, चलो नाइट वन वैसे भी मैंने स्केप तो कर ही दिया है। अभी इतना ज़्यादा डर लगा ना, अभी चीयर से गिरने वाला था मैं। और अभी चलते हैं सीधा इस लड़की को बचाने के लिए। शायद ये इसी के कैबिनेट, शायद मतलब इसी के साथ ये काम करती थी भाई। लेकिन ये मीट खाने के लिए क्यों आई, मेरे को ये समझ में आता है। वो भी इसके घर पे, वो किडनैप तो करेगा ही ना, क्या पता वो इसको भी खा लेता। चलो अब चलते हैं इधर पे, ये गेट खोल देते हैं। और अब मैंने जो है इस लड़की को बचा दिया इधर पे, ये साइंटिस्ट थी वैसे। और इधर पे उठा के जो है मैं इसे ऊपर ला रहा हूँ। लेकिन इसके ये गाल पे क्या लग रखा है भयंकर, इतने सारे डार्क स्पॉट। डार्क स्पॉट है, पता नहीं क्या है, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का। और इधर पे कर दिया मैंने ये स्केप। और ये रही इसकी गाड़ी जो एकदम बहुत तगड़ी सी है, ले गया ये। और अंकल देखते रह गए। अभी देखो लास्ट में बहुत तगड़ा मूव बनाता है। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं जो है इसे और पार करने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो है जो उसमें वो सूअर वाली लड़की थी उसको भी बचाना है। वो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा। और अभी करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आप लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।